हमको 9 साल से संदीप रखे हैं। हमसे विंध्याचल में शादी भी किए और शादी के झांसा दे करके पहले वीडियो SMS बना लिए। अब वीडियो बना करके बोले हैं कि तुम्हारे पति को भेजेंगे, तुम्हारे भाई को भेजेंगे। कहते हैं कि जब प्रेम परवान चढ़ता है तो प्रेमी और प्रेमिका सभी हद तक गुजर जाने के लिए तैयार रहते हैं। एक ऐसा ही अजीबो गरीब मामला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से सामने आया है, जहाँ पे एक प्रेमिका जो कि पहले से ही शादीशुदा और 3 बच्चों की माँ है, वो अचानक से अपने प्रेमी के घर पहुँच जाती है। ये पूरा मामला सोनभद्र के रायपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह पड़ती है जिसका नाम है खलियारी, वहाँ का है, जहाँ पे कल सुबह एक प्रेमिका जिसका नाम विभा, वो अपने 3 बच्चों के साथ गाजे बाजे के साथ ढोल नगाड़े के साथ और DJ के साथ अपने प्रेमी संदीप के घर पहुंच जाती है। जिसके बाद अब चूंकि प्रेमी के घर पहुंच गई तो प्रेमी के घर वाले घबरा जाते हैं और तत्काल पुलिस को इस घटना के बारे में जानकारी देते हैं। महिला का यही कहना है कि हम रहेंगे तो प्रेमी के साथ ही रहेंगे। प्रेमिका को आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों से बातचीत कर रही है। पूरी वीडियो, इस वीडियो के अंत में उस वीडियो को भी देखेंगे कि महिला क्या कह रही है, वो जो प्रेमिका है वो क्या कहना चाह रही है। असल में विवाह की जो शादी हुई वो साल 2009 में हुई और फिर 2015 में वो अपने प्रेमी संदीप के संपर्क में आई, जिसके बाद पहली बार इन दोनों के बीच आपसी सहमति से, रजामंदी से शारीरिक संबंध बना और उस दरमियान कुछ अंतरंग तस्वीरें जो है और वीडियो जो उसका प्रेमी संदीप है अपने मोबाइल में खींच लिया। जिसके बाद महिला का यह आरोप है कि लगातार जब भी वो मायके आती तो जो उसका प्रेमी संदीप है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता और भी तमाम जगहों पर जाके शारीरिक संबंध बनाता रहता। वो कहता कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम अपने पति को छोड़ दो। महिला का ये कहना कि जो अंतरंग तस्वीरें और वीडियो थी वो लगातार हमको इस बात के लिए कहता था कि अगर तुम अपना मुंह खोली कुछ कही तो जो मैं वीडियो और फोटो है मेरे पास वो तुम्हारे पति और तुम्हारे भाई को दिखला दूंगा। महिला का ये आरोप है कि मैं करीब 9 साल तक इसका उत्पीड़न सहती रही और मुझे अब शादी करनी है। मैं थानों के चक्कर लगाई लेकिन थानों के चक्कर में भी कुछ हमको हासिल नहीं हुआ और जो वहाँ के थानेदार महोदय और पुलिस विभाग की तरफ से हमको कोई आश्वासन नहीं मिला और जो कार्रवाई होनी चाहिए थी कोई कार्रवाई नहीं। इस वजह से आज मैं थक हार कर अपने प्रेमी के घर पहुँची हूँ। और महिला का आरोप ये भी है कि इतना ही नहीं, जो महिला का ये आरोप है कि जो प्रेमी है जो संदीप उसके परिवार वालों को भी इस घटने के बारे में जानकारी है, वो भी हमको आश्वासन देते रहे कि हम तुम दोनों की शादी करा देंगे। इसी बीच जब पति को कुछ महीने पहले इस बात की जानकारी हुई कि हमारी पत्नी विभा का किसी और के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है तो पति भी किनारे कस लिया, भाई क्या ही करेगा, वो भी विभा को छोड़ दिया। कल पूरे गाजे बाजे के साथ बारात लेकर जब पहुंची तो हंगामा मचना तो स्वाभाविक सी बात था, पूरे ग्रामीण इकट्ठा हो गए, पुलिस को जानकारी दी गई, पुलिस आई, महिला पुलिसकर्मी भी कई बार समझाने का प्रयास की कि तुम शादीशुदा हो, 3 बच्चों की माँ हो और तुम ऐसी हरकत क्यों कर रही हो, लेकिन महिला का तो बस एक ही कहना था कि मुझे अब अपने प्रेमी के घर में ही रहना है। और 9 सालों तक उसने मुझे यह आश्वासन दिया, ये भरोसा दिया कि मैं तुमको अपनी पत्नी बनाऊंगा और लगातार मेरा शारीरिक शोषण किया और शारीरिक संबंध बनाया। इस बीच जब इस घटना की जानकारी उसके प्रेमी संदीप को हुई तो वो घर से पहले ही से ही फरार हो गया। फिलहाल दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया है। अब आगे की जो भी कार्रवाई होगी मैं आपको बताऊंगा इस केस के बारे में। आप अंत में वीडियो देखिए, क्या महिला कहना चाह रही है, किस तरीके से उसका क्या आरोप है, उसको भी आप ध्यान से सुनिए। लेकिन सवाल ये है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है, किस तरीके से समाज में लगातार जो कह सकते हैं कि जीवन में जो पवित्र रिश्ते होते हैं वो शर्मसार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोचने की बात है और समाज एक उचित दिशा में जाए इसका भी प्रयास करना चाहिए। तो सोनभद्र की ये घटना फिलहाल पूरे देश में चर्चा में बनी हुई है, किस तरीके से 3 बच्चों की माँ गाजे बाजे के साथ बारात लेकर अपने प्रेमी के घर पहुँच गई है।
लगातार ऐसी घटनाएं भी आती हैं। कुछ दिन पहले ही झांसी की घटना जहां प्रेमी जो है प्रेमिका को उसके शादी के दिन ही पार्लर में पहुंच के जब वो उसकी तैयारी हो रही थी, वो सज रही थी, वहीं पहुंच के मौत की घाट सुला दिया और फिर खुद भी जाके सुसाइड कर लिया। तो समाज में ऐसी घटनाएं, प्रेमी प्रेमिका, अवैध संबंध और अवैध संबंध में लोगों की जान, ऐसी घटनाएं लगातार हमारे समाज में आ रही हैं। वोकल टीवी की टीम लगातार जो भी ग्राउंड की हकीकत है, जो सच्ची घटना है, जो सच्चाई है, उसको दिखाने का, बताने का हर संभव प्रयास करती आ रही है। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। विभा जायसवाल, यहाँ पे आप बाजे के साथ पहुँचे हैं, क्या मामला है? बाजे के साथ यह है सर कि हमको 9 साल से संदीप रखे हैं, हमसे विंध्याचल में शादी भी किए हैं और शादी के झांसा दे करके पहले वीडियो SMS बना लिए हैं। अब वीडियो बना करके बोले हैं कि तुम्हारे पति को भेजेंगे, तुम्हारे भाई को भेजेंगे अगर मेरे साथ तुम सोई नहीं तो। सर करते 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 हम दबाव में उनके साथ ऐसा काम की। और कैसा उनके आपके साथ? 9 साल हो गया। अब क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। आप शादीशुदा हैं क्या? हाँ, हम शादीशुदा हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं हमारे। इनसे कब संपर्क हुआ? इनसे 2015 में संपर्क हुआ। क्या चल रहा है? कहाँ हम गुहार लगाएं? पहले रायपुर थाने में, रायपुर थाने से हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। थाने वाले सुलह समझौता बुलाए, फिर इन लोग कहें कि हम शादी करेंगे, फिर बीच में घूम गए। फिर हम गए कप्तान सर के लिए, कप्तान सर हमको इजाज़त दिए कि जाइए कोतवाली, कोतवाली से इजाज़त मिली कि जाइए संदीप के घर। वहाँ से फिर हम एप्लीकेशन घूम दिए थाने पर, चौकी पर। रायपुर थाने में जब एप्लीकेशन दी थी, क्या आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं, सुनवाई यहाँ बिल्कुल नहीं हुई। क्या आश्वासन मिला यहाँ? बस वो पहले आए तो सर बोल दिया कि जाइए, आपके हम कोई मदद नहीं कर सकते। सर कितना दिन हो गया एप्लीकेशन दिए? ये हो गया करीब, नहीं तो सर 25 दिन आया। 25 दिन से अभी आपको दौड़ाया जा रहा है? दौड़ाया जा रहा है, कोई सुनवाई हमारा कहीं नहीं हो रहा है। हम आप लोग से रिक्वेस्ट है, विनती है कि हमको अन्याय दिया जाए। क्या आपके आस पास के लोग जानते हैं? हाँ, हमारे आस पास के लोग, अगल बगल वाले सब आए हैं, चल के घर भी देख लीजिए, नहीं कि फर्जी आए हैं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं संदीप जैसे हमारा घर परिवार बसा बसाल तोड़े हैं, वैसे हमारे साथ घर बसाएं, हमसे शादी करें, ये चाहते हैं।